स्थान पर मौजूद है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। अमेठी रायबरेली की सीट पर उम्मीदवार तय नहीं है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि राहुल अमेठी से, प्रियंका रायबरेली से, लेकिन अब तक फैसला नहीं हुआ गया। सीईसी ने यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका फैसला करेंगे कि अमेठी और रायबरेली से क्या गांधी परिवार के सदस्य होंगे या किसी और चेहरे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। और इस खबर पर बात कर रही है अविनाश पांडे और सीएलपी जो नेता हैं उनकी ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सीईसी की बैठक में ये तय किया गया है कि अब रायबरेली और अमेठी का जो फैसला है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। यानी कि पूरा जो डिस्कशन है उसके बाद यही तय किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अब आखिरी फैसला करेंगे। हालांकि कहा जा रहा था कि अब आज जो है ये नाम क्लियर हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो है फैसला नहीं किया गया और यही फैसला रखा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब राय आखिरी फैसला करेंगे। लेकिन हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगले एक से दो दिन में जो है रायबरेली और अमेठी पे कौन चुनाव लड़ेगा इस बात का आखिरी फैसला अगले 24 से 48 घंटे में कर लिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए और प्रियंका गांधी को रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए जो है सीईसी की बैठक में स्थानीय नेताओं ने इस बात का नाम रखा और तमाम जो बड़े नेता थे वो भी इस बात सहमत थे, क्योंकि परंपरा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की वो परंपरा ठीक रही है चाहे वो अमेठी हो या रायबरेली हो जी। और स्थानीय नेता के साथ सेंट्रल लीडरशिप है वो भी यही चाहती है, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये फैसला करेंगे। लेकिन हमारे सूत्र इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान आज भी नहीं किया गया, लेकिन एक से दो दिन में कहा जा रहा है कि इसकी औपचारिक ऐलान कर लिया जाएगा और एक से तीन के बीच में जो है नामांकन भी दाखिल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कनिका का, जिन्होंने बताया कि एक से दो दिन में यह औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि रायबरेली और अमेठी से कौन चेहरा हो सकता है। यहाँ पर सबको इंतजार है कि क्या पार्टी गांधी परिवार में से किसी को चुनाव लड़ा सकती है या फिर कोई और चेहरा होगा। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पीएनबी किचन मेट, पीएनबी की सुनो।